सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। जब शादी के दिन दूल्हे को पता चला दुल्हन तो उसकी बहन है, फिर ये हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, चीन से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक शादी हो रही थी, तभी दूल्हे की माँ की नज़र दुल्हन के हाथों पर पड़ी। फिर जो हुआ उसकी कल्पना कभी किसी ने सपने में नहीं की होगी। इसके तुरंत बाद दूल्हे की माँ जोर जोर से रोने लगी। डेली स्टार के मुताबिक दरअसल जिस कपल की शादी हो रही थी वो भाई बहन निकले। हुआ ये कि महिला ने दुल्हन के हाथों पर जन्म का निशान बना हुआ देखा। इसके तुरंत बाद ही उसने अपनी बेटी को पहचान लिया। बताया जा रहा है कि यह घटना चीन के जिया नक्सू प्रांत के सुझाव की है। ये शादी 31 मार्च को हो रही थी। ये खबर चीनी मीडिया में छाई हुई है। इसके बाद ये हुआ कि जब लड़के की मां ने हाथ पर बने निशान देखा, इसके बाद उसने मौजूदा माता पिता के बारे में पूछा तो पता चला कि 20 साल पहले उन्होंने इस लड़की को गोद लिया था। उन्हें ये बच्ची सड़क किनारे पड़ी मिली थी। इसके बाद लड़की अपनी माँ से मिलकर रोने लगी। कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट तब आया जब शादी पर कोई रोक नहीं लगाई गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उस माँ ने दूल्हे को भी गोद लिया हुआ था। दुल्हन की असली माँ को भी इस शादी पर कोई ऐतराज नहीं था। लोकल मीडिया की माने तो 20 साल पहले जब इस महिला की बेटी गुम हुई थी तो उसने उसे काफी ढूंढा था। जब नहीं मिली तो उसने बच्चे को गोद लिया था। अब इसी लड़के से उसकी बेटी की शादी हुई। शादी में मौजूद लोग भी काफी भावुक हो गए थे। मेहमानों ने माँ बेटी को बधाई दी।